दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आप बनाना पीको देख सकते हैं, जो केले का छिलका होता है उसको छोटा छोटा कट करके एक थैली में पैक कर दिया गया था। उसके बाद जितने भी सारे न्यूट्रिशन इसमें थे वो सारा कुछ इस पानी में आ चुका है। ये इसको रखे हुए कम से कम 20 से 25 दिन हुआ है। ये जो फर्टिलाइज़र एक तरीके का तैयार किया गया है, जिससे आपका जो पौधा है वो कितना भी सूखा हुआ हो, रुखा हुआ हो, सारे में जान आ जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो हमारा उर्वरक है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप ऐसा बनाने के बाद आप केले के छिलके और प्याज के छिलके को पानी में डुबोने के बाद एक कैरी बैग में कर दीजिए। अगर आप हाथ नहीं लगाना चाहते हैं तो उसको कैरी बैग में बांध के इसमें डाल दीजिए। जितने भी सारा जो पानी होगा वो जो न्यूट्रिशन होगा वो सोख लेगा। इसके बाद आप इस पानी को 20-25 दिन के लिए रख दीजिए। उसके बाद जितना भी ये होगा न्यूट्रिशन ये सोख लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप उसको बाद क्या करना है मैं दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको कम से कम 20-25 दिन रखने के बाद इस बाल्टी में आपको जो है वो जो आपको चाय की पत्ती डालनी है। ये देख सकते हैं, ये जो चाय की पत्ती है इसको आपको डाल लेना है। इसमें अच्छे से इसको डाल दे। उसके बाद आपको ये आप देख सकते हैं ये DAP है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये आपको मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। देख लीजिए ये DAP है, ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक फर्टिलाइज़र माना जाता है। तो अब आप इसको पानी में डाल के कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद को इसको क्या करना है, फिर से एक बार अच्छे से पहले मिला दीजिए। उसके बाद 3-4 घंटे के बाद भी आपको अच्छे से मिलाना है। इसको आपको अच्छे से मिला दीजिए। उसके बाद कम से कम 3-4 घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए। अब आपके इस पानी में इतना सारा न्यूट्रिशन है कि आप समझ नहीं सकते। ये आपका कितना भी ज़्यादा सूखा हुआ पौधा होगा उसमें ये जान ला देगा। ये एक तरीके का रामवन का इलाज करेगा आपका, आप रामवन इलाज कह सकते हैं इसको। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है हमें इसमें चाय पत्ती और DAP को मिलाए हुए। अब इसमें आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम और चाय जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा चमक बढ़ाएगा और आपके जो आपका जो सॉइल है उसको एसिडिक बनाएगा, ताकि पौधे जो है वो आराम से फल फूल सकें। आपको आपके पास अगर चाय पत्ती नहीं है तो आप उसमें कोई भी एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, कोई भी एसिड मिला सकते हैं। जैसे साइट्रिक एसिड जैसे नींबू का रस हो गया वो आप इसमें मिला दीजिए, या एसिटिक एसिड सिरका जो होता है जो आप दूध से पनीर फाड़ने में यूज़ करते हैं वो भी आप मिला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जिससे आप कोई भी एसिड डाल दीजिए, ताकि आपका जो सॉइल है वो थोड़ा एसिडिक हो और जो पौधा है वो अच्छे से सांस ले सके। तो अब चलिए देखते हैं इसको आगे क्या करना है। इसमें मैंने एक मग जो हमारा फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो हमने ले लिया है, और 3 मग पानी ले लिया है। अब इसमें हम दोनों उसमें इसको मिला दिया गया है, दोनों को एक पानी को फर्टिलाइज़र में मिला दिया गया है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आपका होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है वो जब बहुत जल्दी ही जो पौधे होते हैं वो बहुत ही जल्दी इसको सोख लेते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बाकी फर्टिलाइज़र से काफ़ी अच्छा होता है। आपको इसमें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप देख सकते हैं इसके बाद इसको आप ऐसे पौधे में डाल दीजिए, इसको पौधे के जड़ में ही डालिए ज़्यादा फैलाकर, ताकि ये अच्छे से सोख कर ले। आप बस कुछ दिन का इंतज़ार करिए, उसके बाद आपका जो पौधा है वो ऐसे ही ठीक फूलने लगेगा।
बहुत सारे बर्ड्स आने लगेंगे और बहुत सारे फूल देने लगेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।